बहुत लोगों को चोट लगी है, इस तरीके से फिर हमको पिटा गया खींच करके जो है। फिर हमने कहा कि इसको मारो, इस गाली गलत की बूट रख के मारा इसमें। पीटा गया यहाँ पे विधायकों को, खचीटा जा रहा है, लगातार विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब चलो हमको नहीं मिल रहा है बप्पा नीतीश कुमार क्या हुआ विधायक जी? मुख्यमंत्री के आदेश पर लोगों को रोक रहा था विधानसभा अध्यक्ष सत्येंद्र जी। बताइए पूछिएगा। लात मुक्को से मारा गया पूरा, सभी लोगों को लात मुक्को से थप्पड़ से मारते हुए सदन से बाहर फेंक गया। हम लोग भार हो गए हैं इन लोगों के लिए। ये विपक्ष मुक्त चाहते हैं विधानसभा, इस दिन को आज के दिन को काला कानून के रूप में याद किया जाएगा। महिला पुलिस हटाई है, हमने पुलिस पुरुषों ने मिलकर उठाया, हटाया, बाहर किया। ये क्या है? हम उस पुलिसिया बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के खड़े हैं। किसी को शक के विरोध में आप क्यों गिरफ्तार करेंगे? शक के विरोध में आपको क्यों ये काला कानून? ये देखिए काला कानून, लात लात घूसों से मारा, लात घूसों से ये पुलिस से पिटवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश की सरकार, नीतीश की सरकार जनता के खिलाफ में है, किसानों के खिलाफ में है, छात्र नौजवानों के खिलाफ में है। ये जो है लाठी के बल पर ये कानून पास करवाना चाहते हैं, लोकतंत्र की आवाज को कुचल रहे हैं, ये बिहार को यूपी बनाना चाहते हैं। अगर हमें सदन में बोलने का मौका नहीं मिला तो हम लोग खेत खलिहानों में बोलेंगे। जनता विरोध करेगी। ये माननीय विधायक को लात घूसों से पीटा गया, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक है। विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी, देखिए क्या किया जा रहा है, विधायक जी क्या हुआ था? विधायक के साथ जो है ये क्या किया जा रहा है? लोकतंत्र की हत्या, और इस तरीके से दलित विधायक को साथ में सत्ता के इशारे पर जान मारने की साजिश। अरे बाप रे, माइक छोड़ लीजिए सर। अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसे छाती तो चूर, काफी देर तक बाहर पड़े रहे, कोई सूद लेने वाला नहीं आया, ना डॉक्टरों की टीम ना पुलिस की दूसरी टीम। ये हो गया सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी, मान जी, मान जी, सत्येंद्र जी, क्या